तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. एसिड हम किसको बोलते हैं, विच कैन प्रोवाइड एच प्लस, बेस विच कैन प्रोवाइड ओ एच माइनस. सो द पॉपुलर रिएक्शन इज HCl रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म NaCl अलॉन्ग विद वाटर. वाट हैपन टू HCl, इट डिसोशिएट इंटू एच प्लस एन सी एल माइनस, NaOH डिसोशिएट इंटू Na प्लस एन ओ एच माइनस. सो Cl माइनस विल अटेक ओवर Na प्लस, H प्लस विल अटेक ओवर OH माइनस. दिस इज द मैकेनिज्म. नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए इंडिकेटर. इंडिकेटर इज फिनोफ्थेलिन. वी आर गोइंग टू स्टडी फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर. And this indicator is used in acid-base titration. Acid-base reaction बोलते हैं अपन simple. Titration means reaction. अब acid-base reaction में ये क्या करता है, color change show करता है. कैसे, कि यदि मैं NaOH की presence में phenolphthalein को add करूं तो it shows pink color. और अगर मैं HCl के साथ phenolphthalein को add करूं तो इट इज कलरलेस इन द सॉल्यूशन. दैट मीन्स अगर मान लो मैं यहां पर बीकर में HCl रखता हूं और इसमें फिनोफ्थेलिन डाल देता हूं तो ये रहेगा कलरलेस, और मैं ऊपर से इसमें NaOH एक्सिस में गिरा दूं, ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है पहले एसिडिक था और इसी में हमने कुछ ड्रॉप्स फिनोफ्थेलिन की डाली हुई है. तो मान लीजिए मैं फिनोफ्थेलिन को HCl के साथ मिला के रखता हूं तो ये रहेगा कलरलेस सॉल्यूशन, और अगर मैं ऊपर से NaOH गिराऊं और इतना गिरा दूं कि वो सारे HCl को खत्म कर दे और प्लस एक्सिस में मिला रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम NaOH विल बी प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन. तो NaOH होते ही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थेलिन शोज पिंक कलर. तो जो सॉल्यूशन अपन यहां ले रहे हैं इट बिकम्स पिंक कलर. तो हमें पता लग जाएगा कि मीडियम हैज बीन चेंज फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फिनोफ्थेलिन. फिनोफ्थेलिन इज अ वीक बेस, वीक एसिड. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय HPH. इट कैन गिव H प्लस अलोंग विद pH माइनस आयन. नाउ द कलर ऑफ pH माइनस आयन इज पिंक एंड HPH इज कलरलेस. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ज्यादा टूटा तो ये पिंक कलर शो कर देगा, ठीक है. अभी पिंक कलर कैसे शो करता है कि अगर हमने NaOH ऐड कर दिया है विद फिनोफ्थेलिन तो NaOH क्या करेगा, OH माइनस देगा और यहां से ये H प्लस देगा, दोनों खत्म होंगे और हमारे पास आयन मिल जाएगा pH माइनस. और pH माइनस अगर आयन मिल गया ज्यादा क्वांटिटी में तो सॉल्यूशन बिकम्स पिंक कलर. तो इसके ज्यादा टूटने का कारण होता है कि ये एसिड है और ये बेस है, तो बेस इसको खत्म करके ये आयन फ्री करेगा एंड दिस आयन इज पिंक इन कलर. नाउ वी आर गोइंग टू सी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड. मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल है जैसे कॉपर और ऑक्सीजन, तो ये मेटल ऑक्साइड है. जिंक एंड ऑक्सीजन, ये ZnO मेटल ऑक्साइड है. जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं तो सोल्ट प्लस वाटर इज फॉर्म्ड. तो अगर मैं मेटल ऑक्साइड CO की रिएक्शन HCl के साथ करा दूं तो यहां पे मैकेनिज्म क्या होगी कि कॉपर प्लस टू और ओ माइनस टू, एसिड का एच प्लस और सीएल माइनस, सीएल माइनस चला जाएगा इसके साथ, एच प्लस इसके साथ. तो कॉपर प्लस टू एंड टू सीएल माइनस विल फॉर्म CuCl2 विच इज ब्लू इन ब्लू और ग्रीन इन कलर. सिमिलरली अगर मैं ZnO पर HCl डालू तो ZnO गिव्स Zn प्लस टू आयन, HCl गिव्स Cl माइनस आयन, ये कंबाइन होकर क्या बना देंगे, ZnCl2 कंपाउंड. तो सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा इफ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड. अगर नॉन मेटलिक ऑक्साइड हम बोले तो उसकी बेस से रिएक्शन से सॉल्ट प्लस एसिड बनेगा. जैसे फॉर द एग्जांपल SO2 ले ली मैंने गैस, ये ऑक्साइड है और नॉन मेटलिक क्योंकि सल्फर इज ए नॉन मेटल. इधर CO2 इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्योंकि कार्बन इज ए नॉन मेटल, ठीक है. तो अगर इसकी रिएक्शन में CO के साथ करा रहा हूं तो ये भी सॉल्ट बनाएगा CSO3. अगर मैं लाइम वाटर की रिएक्शन CO2 से कराता हूं तो चूंकि ये बेस है और CO2 एसिड है तो इनकी रिएक्शन से जो है यहां बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT अलोंग विद वाटर. तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होता है ये क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा अलोंग विद सम वाटर.
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शुड कर्ड एंड सोड सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल. तो रीजन इज दैट कि कर्ड एंड सोड सब्सटेंसेस दे कंटेन एसिड एंड व्हेन कर्ड एंड सोड आर प्लेस्ड इन अ मेटल दीज टाइप ऑफ मेटल कॉपर एंड ब्रास सो एसिड कैन रिएक्ट विद मेटल एंड दे कैन फॉर्म ए पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड दैट वुड बी डेंजरस फॉर दी हेल्थ. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन अ कर्ड एंड सोड दे शुड नॉट बी कैप्ट इन द ब्रास और कॉपर वेसल. We have to give an example of acid and metal reaction and we have to see where which gas is liberated and how will you identify it. So in the reaction of zinc metal with H2SO4 displacement reaction takes place and zinc goes with sulfate ion forming ZnSO4 and hydrogen gas is liberated. Now the hydrogen gas when it is passed through a solution of soap solution bubbling will take place. So bubble will form and if we bring a candle near the bubble, a burning candle near the bubble, what happens? The bubble is burst suddenly because hydrogen gas is very inflammable gas. ठीक, तो ये तेजी से आग पकड़ लेती है. ठीक है ना, इट कैन बी रेडिली बर्न इन द एयर. तो विस्फोट के साथ रिएक्शन होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस की. अगला बताना है हमें कि ए मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेंस द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज CaCl2. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपाउंड की रिएक्शन हमें HCl एसिड के साथ करानी है और एक ऐसी गैस निकल रही है कि एफरवेंस बुलबुलों के साथ एक गैस निकली और ये गैस जो है ये बर्निंग कैंडल को बुझा सकती हो, एक्सटिंग्विश कर सकती हो. तो ऐसी गैस जो जलती हुई आग को बुझा सकती है, द गैस इज CO2 गैस एंड इन द क्वेश्चन इज सेइंग द CaCl2 इज ऑल्सो फॉर्म. इसका मतलब ये हुआ कि CaCl2 में कैल्शियम कार्बोनेट Ca+2 आयन होगा और CO2 दे रहा है तो इसमें कार्बोनेट आयन होगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट इज द सॉल्ट विच रिएक्ट्स विद HCl. क्वेश्चन में बोला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो होगा क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट के Ca+2 और HCl टूट के Cl-. सो दे विल फॉर्म CaCl2 एंड कार्बोनेट आयन जो है वो H+ के साथ रिएक्शन करके इट फॉर्म्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड विच इज अनस्टेबल. इट विल प्रोड्यूस H2O प्लस CO2 गैस. सो दैट्स हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन HCl एंड कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट. अब देखिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम एसिड सॉल्यूशन लें या बेस का सॉल्यूशन लें या सॉल्ट का सॉल्यूशन लें, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना, एज दे कंटेंट आयन्स. ठीक है, तो एक कंपाउंड में डिफाइन कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट हम उस कंपाउंड को बोलते हैं विच कैन प्रोड्यूस आयन्स इन वाटर. तो दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट विच कैन प्रोड्यूस आयन्स इन वाटर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट विच कैन नॉट प्रोड्यूस आयन्स इन द सॉल्यूशन इन वाटर, या सॉल्यूशन बोल दें नो आयन्स इन वाटर. तो अगर मैं कहूं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शुगर हो गया. ठीक है, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है. या मैं एल्कोहल लूं तो एल्कोहल इज ऑल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो कैसे हमें पता लगे कि इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? तो हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से सॉल्यूशन रख देते हैं और इसमें हम दो प्लेट रखकर इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और इसके साथ सीरीज में हम लगा देते हैं एक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब. अब अगर यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहां से यहां तक इस सर्किट कंप्लीट होने के लिए यहां आयन्स होने जरूरी है. यानी कि मैं यहां पे जैसे स्विच ऑन करूंगा, अगर ये बल्ब जल उठता है इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है और यदि बल्ब नहीं जलता है तो इलेक्ट्रिसिटी यहां पास नहीं करती. तो यदि मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दूंगा तो ये बल्ब जल उठेगा,
क्योंकि इसमें आयंस होंगे और आयंस क्या करेंगे, वो चार्ज को कैरी करेंगे। जैसे मान लो प्लस आयन जो है इधर भाग गया, माइनस आयन इधर भाग गया, इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी पास होने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सॉल्यूशन में आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर बल्ब जलेगा तो आयंस है और बल्ब नहीं जलेगा तो आयंस नहीं है। तो ग्लूकोज और अल्कोहल को अगर मैं भरूं इसमें या यूरिया भरूं तो बल्ब नहीं जलेगा, क्यों? क्योंकि देर आर नो आयंस प्रेजेंट इन द वाटर थ्रू द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस कर दूं इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे डाइल्यूट HCl, H2SO4 या NaCl, तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है आयन प्रोड्यूस करेंगे और इस वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो बल्ब यहां पे जल उठेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे HNO3 ये आयन प्रोड्यूस कर रहा है, H2SO4 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, एसिटिक एसिड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, NaOH आयन प्रोड्यूस कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि आयन प्रोड्यूस कर सकता हो वहां पर हम ये कहेंगे कि सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा और ऐसे सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का नाम देंगे। बस यही रुक रहा है आज, है ना।